स्कूली छात्रा के साथ हुई घटना के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए भीलवाड़ी सहित 6 गांव के नागरिकों ने बंद रखकर विरोध जताया और मौन रैली निकाली। ग्रामीणों द्वारा निकाली गई रैली में पीड़ित लड़की के स्कूल के साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी शामिल हुए, जिन्होंने घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस बीच कुछ नागरिकों ने पुलिस थाने का घेराव कर दिया। मामले को गर्माते देख सुरक्षा के मद्देनजर ग्राम भीलवाड़ी में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए कोल्हापुर रेंज के IG विश्वास नांगरे पाटिल ने घटनास्थल का दौरा किया और आश्वस्त किया कि जल्द ही जांच करवाई जाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। 5 जनवरी के इवनिंग से 6 जनवरी की सुबह तक ये रेप विद मर्डर ऑफ 14-year-old गर्ल, ये सीरियस क्राइम भीलवाड़ी गांव में हुआ है। इसमें 302 376 का गुना पुलिस ने दाखिल किया है। इसमें इंक्वेस्ट गवर्नमेंट विटनेसेस के सामने हुआ है और पोस्टमार्टम इस डेड बॉडी का फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट मिरज मेडिकल कॉलेज में हुआ है। कल से SP एडिशनल SP और LCB की टीम्स यहाँ जो एंगल्स है इसमें सामने आ रहे हैं उस पर काम कर रही है। इसमें डेथ कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया ड्यू टू स्मदरिंग और इसमें बेसिकली प्राइवेट पार्ट पे इंजुरीज होने की वजह से रेप, ऐसे सेक्शंस हमने लगाए हैं। बेसिकली इसमें जो भी फिजिकल एविडेंस, मेडिकल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस और आई विटनेसेस, इसके हिसाब से आगे की तपास की दिशा निश्चित की जाएगी और एज अर्ली एज पॉसिबल इस गुन्हे को हम डिटेक्ट करेंगे। सकाळी 8:30 ते 9 वाजण्याच्या सुमारास तासगाव रस्त्याला ज्यावेळी लोक जाये करत होते त्यावेळी त्या लोकांच्या लक्षात आलं की रस्त्याकडे 5-7 फुटावर एक मुलीचा मृतदेह पडलेला आहे। नागरिकांनी तत्काळ या घटनेची माहिती पोलीस स्टेशनला दिली। त्यावेळी येथील स्थानिक AP आहेत सुनील हरगुडे साहेब, त्यांनी ती घटनास्थळी धाव घेऊन त्याची गांभीर्याने दखल घेतली। त्यानंतर या घटनेची माहिती होईल तशी परिसरातील लोक या ठिकाणी जमा झाले। या ठिकाणी जी घटना दुर्दैवी घडली आणि त्या घटनेच्या संदर्भात स्पॉटवरची पाहणी करण्यासाठी आणि एक अंतरित जो काही तपास चाललेला आहे त्याचा आढावा घेण्यासाठी या ठिकाणी मी आलेलो आहे। ॲडव्हान्स ओपनिंग आलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रथमदर्शनी रेप आणि गुदमरून किंवा तोंडावरती दाबून मृत्यू झाल्याचं निष्पन्न होत आहे। अजून संपूर्ण तपास लवकरच त्याचा होईल आणि निश्चित स्वरूपाची माहिती हाताला थोडे दिवसामध्ये लागेल, परंतु प्राथमिक तपास हा प्रगतीपथावर आहे। काल सांगलीमध्ये अतिशय दुर्दैवी घटना घडलेली आहे। खरं तर पुरोगामी महाराष्ट्रात अशा घटना घडत आहेत याच्या मोठं दुर्दैव कुठलंच नसेल। अतिशय लांछनास्पद गोष्ट घडलेली आहे। ज्या पद्धतीनं कोपर्डीची घटना घडलेली होती अगदी त्याच पद्धतीची घटना सांगली जिल्ह्यात आजपर्यंत कधीच घडलेली नव्हती, ती घटना आज सांगली जिल्ह्यामध्ये घडलेली आहे। महाराष्ट्रातली ही दुसरी घटना आहे। मला हे गृहखात्याचं खूप मोठं अपयश वाटतं आहे। खरं तर अशा घटना वारंवार घडत आहेत, याला ठोस भूमिका, ठोस पावलं या सरकारने उचलणं अत्यंत गरजेचं आहे। आणि मी पोलिसांना सुद्धा विनंती करेन की कुणाचाही दबाव, कसलाही दबाव न बाळगता अतिशय निपक्षपातीपणानं त्यांनी चौकशी करून त्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न केला पाहिजे,